नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खास खबरों पर नजर डालते हुए, रामदेव की कोरोनिल पर सवालिया निशान, मगर फिर भी बांटेगी हरियाणा सरकार। टूल किट मामले में कांग्रेस ने ट्विटर से कहा, मंत्रियों के ट्वीट पर भी लगाओ टैग। बदनामी से घबराई योगी सरकार, शवों से रामनामी चादर हटवाने में जुटी। यूपी में चुनाव की तैयारी के लिए लखनऊ में संघ की बैठक, होंगे कई बदलाव। राजस्थान में भी मौतें छिपाने का खेल, 14,000 मौतों को बताया 4,000। खास खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। एलोपैथिक को दिवालिया साइंस बताने वाले योग गुरु रामदेव की दवा कोरोनिल को अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला है, लेकिन हरियाणा सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित 1,00,000 मरीजों को इसके किट बांटने जा रही है। हरियाणा सरकार का कहना है कि कोरोनिल बांटने का आधा खर्च पतंजलि और आधा वो खुद उठा रही है। सवाल यह है कि अगर कोरोना मरीजों ने डॉक्टरों के इलाज के बजाय कोरोनिल लेना शुरू किया और अगर उनकी जान को खतरा पैदा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण ने इस साल फरवरी में कोरोनिल दवा को फिर से लॉन्च करते हुए इससे कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज का दावा किया था, जिस पर देश विदेश में संदेह खड़े किए गए थे। डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो बहुत ही गंभीर एतराज जताया था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को खत भी लिखा था, चिट्ठी भी लिखी थी। कोरोनिल को लेकर रामदेव उस वक्त भी विवादों में घिर गए थे जब उन्होंने कोरोनिल पर एक रिसर्च पेपर जारी किया था और इसमें इस दवा से इलाज होने का दावा किया गया था, लेकिन उन्हें इस दवा के लिए स्वीकृति इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में मिली थी। वहीं सत्य हिंदी से बात करते हुए आईएमए के सचिव डॉक्टर जयेश लेले ने कहा है कि कोरोनिल को बाबा रामदेव फूड सप्लीमेंट के रूप में बेच रहे हैं, ये दवाई के रूप में नहीं है। हालांकि लोगों को ये दवा बताकर ही बेची जा रही है। तो कोरोनिल एक तरह का फर्जीवाड़ा है, धोखाधड़ी है भारतीयों के साथ, कोरोना मरीजों के साथ, लेकिन सरकार के संरक्षण में बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव, लाला रामदेव ये धड़ल्ले से खेल खेल रहे हैं, क्योंकि सरकार उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तमाम देश भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर और डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कहा है कि ये दवा कतई कोरोना का इलाज नहीं करती है। और रामदेव ने भी इस तरह के न तो प्रमाण दिए हैं, जो उन्होंने शोध पत्र का हवाला दिया था वो भी अपने आप में एक फर्जीवाड़ा लगता है। तो ऐसी अपुष्ट और अप्रामाणिक दवा को लगातार कई प्रदेशों में बेचा जा रहा है और लोग खरीद रहे हैं, धोखे में खरीद रहे हैं, रामदेव की अंधभक्ति में खरीद रहे हैं, आयुर्वेद के नाम पर खरीद रहे हैं। अब हरियाणा सरकार कोरोनिल के इस किट को, 1,00,000 किट को कोरोना मरीजों को बांटने जा रही है मुफ्त में। ये एक तरह से कोरोनिल का प्रचार है, एक तरह से बाबा रामदेव की कंपनी का प्रचार है, रामदेव का प्रचार है। और हरियाणा सरकार, जैसा कि आप जानते हैं कि रामदेव की एक फॉलोइंग है, एक वोट बैंक उन्होंने अपने पीछे बना लिया है और बीजेपी उसका इस्तेमाल करती है, बीजेपी को उसका फायदा मिलता है, इसलिए रामदेव का सहयोग भी वो करती है। तो ये एक दोनों का एक गठजोड़ है, जिसे एक आपराधिक गठजोड़ भी कहा जा सकता है, एक अनैतिक गठजोड़ भी कहा जा सकता है, कि एक कंपनी का मालिक एक सरकार से इस तरह से मिल के एक जो दवा नहीं है, दवा बताते हुए उसको बांटा जाए, उसका प्रचार किया जाए। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। डॉक्टर अगर इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि जब पूरे देश में एलोपैथी के दम पर ही कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है, जो एलोपैथी की दवाई है उन्हीं के भरोसे जो मरीजों का इलाज तमाम डॉक्टर कर रहे हैं, और उस पर संदेह खड़े करते हुए रामदेव तमाम तरह के बकवास कर रहे हैं और इसके बाद अपनी दवा को प्रमोट कर रहे हैं राज्य सरकार के इलाज से। आज हरियाणा सरकार ये कर रही है, कल को उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, कल परसों को तीसरी कोई बीजेपी की सरकार यही हथकंडे आजमाएगी। और
एक जो झूठा आयुर्वेद को हिंदुत्व से जोड़ा गया है, हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद से जोड़ा गया है, और उसके साथ एक वोट बैंक तैयार करने की जो रणनीति संघ परिवार की चल रही है वो इसी का हिस्सा है। लेकिन ये देश के साथ एक तरह की बड़ी धोखाधड़ी है, क्योंकि इससे जो नुकसान होगा स्वास्थ्य का, और दूसरी बात लोगों की जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बनना चाहिए, वैज्ञानिक सोच बनना चाहिए, उसमें भी इस तरह से काम करके रुकावट डाली जा रही है। ये बहुत घातक है भविष्य के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए, और वर्तमान में जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उनको जो नुकसान होगा उसके लिए। अगली खबर लेते हैं। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कथित टूल किट मामले में मंगलवार को 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट का हवाला देते हुए ट्विटर से आग्रह किया है कि इन नेताओं को लेकर भी उसी तरह की कार्रवाई की जाए जो मैनिपुलेटेड मीडिया और फर्जीवाड़ा के दूसरे मामलों में की जाती है। सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्रियों गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, हर्षवर्धन, डॉक्टर मुख्तार अब्बास नकवी और गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट के URL ट्विटर इंडिया के प्रबंधन को एक पत्र के माध्यम से भेजे हैं और कार्रवाई की मांग की है। उधर कांग्रेस की कथित टूल किट को लेकर दिल्ली पुलिस ट्विटर के बाद अब कांग्रेस के दो नेताओं राजीव गौड़ा और रोहन गुप्ता के पीछे पड़ गई है। इसने दोनों नेताओं को नोटिस जारी करके जांच में शामिल होने के लिए कहा है। इस पर राजीव गौड़ा ने कहा है कि उनकी शिकायत पर छत्तीसगढ़ पुलिस पड़ताल कर रही है, तो वो उसी मामले में शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेस के इन दोनों नेताओं ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के टूल किट वाले ट्वीट के खिलाफ शिकायत दी है। दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले ही ट्विटर को नोटिस दिया है और संबित पात्रा के उस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया टैग देने पर स्पष्टीकरण मांगा है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ट्विटर के कार्यालयों पर भी गई थी। ANI ने पहले खबर दी थी कि दिल्ली पुलिस ने छापे मारे हैं, लेकिन बाद में पुलिस ने दावा किया था कि वो नोटिस देने गई थी। दरअसल दिल्ली पुलिस एक बेवकूफों की तरह नजर आई जब उनके कार्यालयों में चली गई ये छापा मारने की गरज से, लेकिन वो कार्यालय पहले से बंद थे क्योंकि ट्विटर के कर्मचारी अपने ऑफिस से ऑनलाइन काम कर रहे थे कोरोना की वजह से। दिल्ली पुलिस को इसका कुछ इल्हाम नहीं था, कुछ पता नहीं था, और अपने साथ वो मीडिया टीम लेकर गई थी कि वो शूट करेंगे कि हम छापा मार रहे हैं, लेकिन एक बुद्धुओं की तरह वो वहां से वापस लौट आई। तो दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है, और दिल्ली पुलिस का एजेंडा आप पिछले 5-7 सालों से लगातार देख ही रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी और सरकार का विरोध करने वालों के खिलाफ वो काम कर रही है। तो अभी इस मामले में भी उसका एजेंडा यही है, वो कांग्रेस के नेताओं के पीछे पड़ गई है, वो ट्विटर के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि ट्विटर ने कैसे मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग संबित पात्रा के ट्विटर हैंडल पे लगाया है, इस ट्वीट पर लगाया है, और उससे बीजेपी की बदनामी हुई है, सरकार की बदनामी हुई है, और अब कांग्रेस ने दबाव बनाना शुरू किया क्योंकि जिस ट्वीट के आधार पर संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया लगा है, उसी तरह से जिन्होंने जिन केंद्रीय मंत्रियों ने खासतौर पर इसको रीट्वीट किया है उन पर भी ये मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगना चाहिए, क्योंकि यही तर्कसंगत है कि जब आप एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को दंड दे रहे हैं तो उसी अपराध के लिए दूसरों को कैसे बख्श सकते हैं। ट्वीट किसी का ट्वीट कर को रीट्वीट करना, शेयर करना भी उसी अपराध की श्रेणी में आता है, ये हमारे साइबर कानून कहते हैं। तो ऐसे में बीजेपी इस मामले में फंसी हुई है, ट्विटर अभी तक झुकने को तैयार नहीं है, और केंद्र सरकार परेशान है, और आपको पता ही है कि उसने फरवरी में एक नई गाइडलाइंस बनाई है और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसको मानने के लिए 3 महीने का समय दिया था जो आज पूरा हो रहा है। तो अब देखना यह भी है कि उनको कंट्रोल में करने के लिए जो सरकार कोशिशें कर रही है वो किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि कल उसकी जब समय सीमा खत्म होते ही अगर ये प्लेटफॉर्म उसकी बात नहीं मानते हैं तो क्या उनको वो रोक लगा दी, क्या उनको बैन कर देगी हिंदुस्तान में? अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी घटना होगी, लेकिन सरकार ऐसा कदम उठाने से पहले 100 मरतबा सोचेगी, क्योंकि उसकी छवि वैसे ही ध्वस्त हो चुकी है, बदनाम हो चुकी है मीडिया को कंट्रोल करने के मामले को लेकर, और ये अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी बनेगी। अगली खबर का रुख करते हैं।
पहले तो सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं हुआ और अब रेत में दफन शवों के साथ भी क्रूरता की जा रही है। गंगा किनारे रेत में दबाए गए शवों से राम नामी चादर रूपी कफन को हटाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या संवेदनशीलता और मानवता इस हद तक गिर गई है, खत्म हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी एक वीडियो को शेयर किया है जिसमें कुछ लोग रेत में दफन शवों से राम नामी हटा रहे हैं। प्रियंका ने लिखा है कि जीते जी ढंग से इलाज नहीं मिला, कई को सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिला और अब कब्रों से राम नामी छीनी जा रही है। प्रियंका ने ट्वीट करके लिखा है कि ये अनादर है मृतक का, धर्म का, मानवता का। हालांकि प्रियंका ने ट्विटर पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें ये नहीं लिखा है कि वो वीडियो कहाँ का है। उन्होंने ये जरूर लिखा है कि छवि चमकाने के लिए सरकार पाप करने पर उतारू है। उन्होंने ये सवाल भी पूछा है कि ये कौन सा सफाई अभियान है। ट्विटर पर जो दूसरे लोगों ने भी वीडियो शेयर किए हैं उनमें भी दिख रहा है कि रेत में कई जगहों पर लकड़ियां गाड़ी गई हैं और जगह जगह पर कफन जैसी चमकीले चादरें हैं। कुछ लोग उन लकड़ियों और उन कफन जैसी चादरों को हटा रहे हैं, कुछ जगहों पर लकड़ी के ढेर भी दिख रहे हैं। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोरोना की वजह से इतने हजारों हजार लोग उत्तर प्रदेश में मरे। बहुतों ने अपने परिजनों के शव को गंगा में प्रवाहित कर दिया, बहुतों ने गंगा के किनारे रेत में ही उनको दफन कर दिया क्योंकि उनके पास खर्च के उनको दफना अंतिम संस्कार के लिए पैसे भी नहीं थे और वैसे भी कोरोना महामारी से भय की वजह से भी वो इससे छुटकारा पाना चाह रहे होंगे। लेकिन जो भी हुआ उन्हें एक तरह से दफन कर दिया गया। अब चूंकि दफन करने की वो तस्वीरें पूरे दुनिया भर में देखी जा रही हैं, उनके वीडियो पूरे दुनिया भर में फैल चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की थूथू हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थूथू हो रही है, तो अब कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, कैसे अपनी छवि को दुरुस्त किया जाए, उसको चमकाया जाए इन तस्वीरों को गायब करके। तो ये एक कोशिश फिर योगी सरकार ने की है। आप जानते हैं कि योगी सरकार काम कम नहीं करती है बल्कि अगर दुष्कर्म हो जाए तो उसको ढकने के लिए पूरी तैयारी पूरी कोशिश करती है। जिस तरह से लखनऊ में श्मशान घाट को ढकने के लिए टीन की चादरें लगा दी गई थी तो यहाँ भी वही खेल आप देख रहे हैं योगी सरकार की तरफ से। वो यही कर रही है कि धीरे धीरे वहाँ से चादरें हटा रही ताकि जब कोई फोटोग्राफी करे, जब कोई वीडियो बनाए तो वो निशान ही न दिखें। तो ये छिपाने की कोशिश है लेकिन जितना सच को छुपाया जाता है अक्सर वो ही उतना ही उधड़कर और सामने आता है, बार बार आता है और लोगों की स्मृति में चस्पा हो जाता है। योगी सरकार के लिए बहुत अच्छा विकल्प था कि उन जो शव इस तरह से दफनाए गए हैं उनको एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के तहत उनको अंतिम संस्कार कर दिया जाता जो कि एक इसकी वाहवाही भी मिलती योगी आदित्यनाथ को कि कम से कम उस समय नहीं हुआ तो बाद में जाकर उन्हें एक सही ढंग का अंतिम संस्कार मिल गया। लेकिन नहीं, योगी आदित्यनाथ अपनी तरह से काम करते हैं, उन्हें अपनी छवि से ज़्यादा कुछ भी प्यारी नहीं है और वो यही कर रहे हैं। उनको न मानवीयता से कोई लेना देना है, ना उनके अंदर कोई संवेदनशीलता है और इस बार बार एक के बाद एक ये वो साबित कर रहे हैं अपने कर्मों से। अगली बैठक लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने अपनी सक्रियता एकदम से बढ़ा दी है। कहने को आरएसएस गैर राजनीतिक संगठन है, अपने को सांस्कृतिक संगठन बताता है लेकिन हर चुनाव के पहले आप देखेंगे कि आरएसएस इस तरह से अपनी गतिविधियां बढ़ा देता है, बीजेपी की तैयारियों के लिए एक जमीन तैयार करना शुरू कर देता है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाले फरवरी में उसके लिए शुरू कर दिया है। इसी क्रम में दिल्ली के बाद अब लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले प्रदेश के संघ के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि कोरोना संकट में लगे दागों को साफ करने की कोशिश में बीजेपी में संगठन से लेकर सरकार तक में बदलाव किए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार की भी पूरी संभावना है। योगी मंत्रिमंडल में अभी 6 जगहें खाली हैं। असंतोष को खत्म करने के लिए इन्हें भरा जा सकता है। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबरें आई थी कि दिल्ली में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की बैठक हुई थी। इसमें
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की भी बात थी। इसमें भी चुनावों को लेकर मंथन किया गया था। हालांकि लोगों ने इसको लेकर काफी आलोचना की कि उनका कहना है कि महामारी के समय भी प्रधानमंत्री चुनाव को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। तो बीजेपी के एजेंडे में और मोदी और अमित शाह के एजेंडे में हमेशा से चुनाव ही सर्वोपरि रहे हैं। वो उससे अपना ध्यान नहीं हटाते हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसीलिए वो बार बार घूम फिर कर चुनाव में आ जाते हैं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव तो बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया हो गया तो 2024 की लड़ाई और भी कठिन हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखती है। और दूसरी बात यह है कि पूरी सरकार में इस समय जबरदस्त घबराहट है, उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र सरकार में भी और संघ परिवार में भी, क्योंकि कोरोना संकट के दौरान योगी सरकार का जो प्रदर्शन है बहुत ही निर्मम, बहुत ही बर्बर और बहुत ही घटिया रहा है। पहले भी रहा है, पहले भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन इस दौरान और भी उसकी पोल पट्टी खुल गई है। तो ऐसे समय में जब सरकार के, और अभी हाल में पंचायत चुनाव भी हुए हैं, उसमें भी बीजेपी बुरी तरह से हारी है, तो ऐसे में अब कैसे फरवरी में होने वाले चुनाव की तैयारी की जाए। तो सबसे पहले आरएसएस उतर गया है। आरएसएस की तकरीबन 12 से 15 हजार शाखाएं हैं उत्तर प्रदेश में और वो गांव-गांव में घुसी हुई है। तो ग्राउंड वर्क आरएसएस के जिम्मे होता है कि वो घर घर जाके लोगों को कन्विंस करे कि योगी सरकार की कोई गलती नहीं थी, मोदी सरकार की कोई गलती नहीं थी, ये तो कोरोना महामारी का प्रभाव था जिसकी वजह से ये हो रहा है, और आप योगी सरकार को माफ़ कर दें क्योंकि ये तो हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, आपके भलाई के लिए बना। तो तमाम तरह के हिंदुत्व के तर्क दिए जाएंगे और लोगों को फिर बहलाने की कोशिश शुरू हो जाएगी। तो ये अभियान अब शुरू हो गया है। चुनाव की अलार्म बेल तो बहुत पहले बज चुकी थी और योगी बहुत पहले चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर चुके थे और केंद्र के नेता भी, लेकिन अब इसे पूरे फुल फ्लेजेड वे में शुरू किया जा रहा है और अब आपको ये गतिविधियां लगातार बढ़ती हुई दिखेंगी। आज की अंतिम खबर लेते हैं। देश के कई राज्यों पर महामारी से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने के आरोप लग रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी शामिल हैं। राजस्थान सरकार के आंकड़ों के खेल को लेकर दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें दावा किया गया कि राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल से 20 मई तक जिन 25 ग्रामीण इलाकों में कोरोना से 3,918 मौतें मानी हैं, उन्हीं जिलों के महज 512 गांव ब्लॉक में इस दौरान 14,482 अंतिम संस्कार हुए हैं। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार सामान्य दिनों में यहां 1.5 महीने में औसतन 7 गुना कम, यानी करीब 2,705 मौतें होती हैं। इसलिए गांव में मौत का ये आंकड़ा सामान्य नहीं कहा जा सकता है। गांव में कोरोना प्रोटोकॉल के अंतिम संस्कार नहीं हो रहे हैं, उससे नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर कोरोना के ही मरीज हैं। तो बहुत सारी राज्य सरकारें, उसमें मध्य प्रदेश अव्वल है, उत्तर प्रदेश अव्वल है, गुजरात के आंकड़े आ गए हैं कि 1.25 लाख मरे और बताए 4,000। तो इन तमाम राज्यों में सरकारें अपने आंकड़े छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसकी बदनामी ना हो। एक तो यही आंकड़े में मरने वालों में ये नहीं दर्ज किया जा रहा कि इनका कि कोरोना से मौत हुई है, जबकि उनकी कोरोना से मौत हुई होती है। तो ये तमाम तरह के छल छद्म खेल चल रहे हैं और इसमें बीजेपी की सरकारें ही नहीं, कांग्रेस की हुकूमतें भी शामिल हैं आंकड़ों को दबाने में, तोड़ने मरोड़ने में, फर्जीवाड़ा करने में। और राजस्थान के ये आंकड़े बताते हैं कि वहाँ की कांग्रेस सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। ये तो कुछ हिस्से के आंकड़े हैं, पूरे राज्य के जब आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा कि वहाँ और कितने बड़े पैमाने पर ये चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।